आज हमारा व्लॉग स्टार्ट हुआ है गाड़ी में, यानी हमारी सुबह ही गाड़ी में हुई है, क्योंकि जब हम उठे थे तो अमन मैडम के लिए उठे थे, उसको तैयार किया, उसको नाश्ता किया और अब उसको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। स्कूल छोड़ने के बाद कुछ थोड़े से काम है, उनको माइंड अप करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। इसे ना मिलकर स्कूल चलते हैं। अच्छा तो जनाब, अमन को हमने स्कूल ड्रॉप कर दी है, अब हम घर को जाएंगे। घर को नहीं जाएंगे अभी, हमें रास्ते में मार्ट पे रुकना है। ओके हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है क्योंकि बहुत सारे लोग आए होते हैं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, तो अब हम जाएंगे यहाँ मार्ट पर। एक्चुअली अमन को मैंने बताया नहीं है, इसने कल से शोर मचाया हुआ था। कल है अमन की बर्थडे, तो इसने कल से शोर मचाया हुआ था, मेरी प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करो, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करो अभी। तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा सरप्राइज़ कर लेते हैं। घर में हम बनाएंगे अमन के लिए केक, और इसके स्कूल से आने से पहले उसके लिए मुझे सिर्फ जो है मार्ट से कुछ चीज़ें लेनी हैं, वो लेंगे पहले और फिर इंशाल्लाह जाकर, नहीं जाकर तो सो जाएंगे, फिर उसके बाद उठकर केक बनाएंगे अमन के स्कूल से आने से पहले। जनाब हम आए थे मार्ट पे, लेकिन मार्ट बंद है क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी ज़्यादा ही सुबह सुबह है, शायद 9 बजे तक खुलेगी। तो कोई बात नहीं, हम घर उठकर आकर ले जाएंगे, घर चलते हैं आप, तो फिर थोड़ी देर सोएंगे फिर उठकर आकर बाद में ले जाएंगे। दिल तो था कि अभी लेकर चलूँ, इतनी गर्मी में दोबारा आना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, लेट्स गो। पहुँच चुके हैं, चलते हैं अब ऊपर। A few hours later. अच्छा तो जनाब हम जा रहे हैं अब अमन को लेने। सोचा हमने था कि अमन के आने से पहले उसके लिए सरप्राइज तैयार रखेंगे, केक बेक करके रखेंगे, उसके लिए अच्छा सा लंच तैयार रखेंगे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि हमारी नींद ही पूरी नहीं हुई। नींद पूरी होती तो कोई काम होता, लेकिन कोई बात नहीं, सारा दिन पड़ा है अभी। उस जो सरप्राइज तो खैर नहीं रहेगा, उसको पता तो लग जाएगा, जाहिर है कि घर में है तो वो, लेकिन फिर भी हम उसको अच्छा लगेगा कि हमने उसके लिए, उसके कहने पे प्री बर्थडे सेलिब्रेशंस की हैं या अरेंजमेंट्स की हैं। तो हम जो है अब उसको पहले लेंगे क्योंकि उसकी छुट्टी का टाइम हो गया है, तो उसके बाद जो है हम फिर मार्ट पे जाएंगे, कुछ सामान लेंगे जो सुबह के बंद थी अब खुल गई होगी, फिर घर वापस आके काम पे लग जाएंगे। सारा स्कूल खाली हो गया है और ये मैडम अब आ रही हैं इतनी गर्मी में। अभी इसको मैं 15 मिनट लेट लेने आती हूँ कि इससे अपनी दोस्तों के साथ आना जाना होता, मतलब बातें शातें करनी होती, उसको कुछ पता नहीं है कि कोई बाहर गर्मी में। A few hours later. अच्छा जनाब, सीन ऐसा है कि हमारे घर आ गए गेस्ट, शाम में भी आ गए और अभी फिर से गेस्ट आ रहे हैं। तो प्लान हमारा था कि हम अमन की प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे, केक बनाएंगे और उसको सरप्राइज़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ हमारे प्लान्स होते हैं, कुछ अल्लाह ताला के प्लान्स होते हैं। तो हमने जो है उस केक बेक करके रख लिया है, अब बस हम गेस्ट जाएंगे तो उसके बाद उसको डिकोर करेंगे और फिर उसके बाद केक काटेंगे, लेकिन अभी हम अपने गेस्ट को देखते हैं। A few hours later. जनाब होना तो कुछ और था कि मतलब हमने अमन की बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, खुद केक डिकोर करना था जो बेक करके फ्रिज में रखा हुआ है, लेकिन हमारे जब गेस्ट गए तो देर काफ़ी हो गई हुई थी, इस वजह से हमें जो है जो गेस्ट आए थे हमारे घर वो केक लेकर आए थे, तो फिर अब वो करने की हिम्मत नहीं थी, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, सुबह मेरा एग्ज़ाम भी है, मुझे भी पढ़ना भी था,
इसलिए मैंने सोचा कि जो केक वो लेकर आए हैं उसी पे ही कलाकारी दिखा के इसको हम डेकोरेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसी को हम काट लेते हैं, फिर ऐसा ही कर लेते हैं। कैंडल्स मैं पहले ही ले आई हुई थी, ये चॉकलेट्स थी ओरियो किचन में तबाह हो जाते हुए, और जो है हमने इसको लगा दिए, ठीक है। अब इसको लगाते हैं कैंडल्स। अब केक हमने रेडी कर लिया है, अब चलते हैं कमरे की तरफ, यानी कि अमन के पास केक लेकर। ओरियो साहब आप पीछे हटें, केक गिराएंगे आप। कैंडल्स बंद हो रही हैं। लो जी बर्थडे गाली गायब है इधर से कमरे में से। अभी बर्थडे गाल आती है तो फिर हम केक काटते हैं। हमारी बर्थडे गर्ल तैयार हो के आ गई है, अच्छी भली गंदे उलिए में थी ये, इसको पता लगा वीडियो बन रही है मेरी, फटाफट तैयार हो के आ गई है। अच्छा अभी हम पहले इसको चलाते हैं एसी की हवा से। नहीं बोले बोले वो मैं कहती थी जब नहीं नहीं आप भी बोले। एक मिनट खाके आप इसको रोटेट करेंगी जरा ताकि म्यूजिक ऑन हो जाए, नीचे से पकड़ के वरना टूट जाएगी। लो जी काके को कह दिया अब जल गया मेरा। वाओ क्लैपिंग, आज जल गया काके का, ठहर जाए जा बर्थडे थोड़ी हुई है, आज चढ़ गया थे। दसो अंदर आप, मैं सही नहीं था पता। चलें काके। लो जी म्यूजिक। काटू? हैप्पी बर्थडे टू यू, तुझे पापा की तरफ से बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं। मेरे घर वालों को चुप कराना एक दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, बड़ी मुश्किल इन्होंने अपना हैप्पी बर्थडे कंट्रोल रखा जो कि इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। अमन अम्मी को केक खिलाते हुए, पापा को नहीं, हम पापा को भी दिखाया, खिलाया बताया तो नहीं ना, दिखाया काका रानी भाई जान बोले वाला दिखाया, पापा का दसे ही नहीं, पापा दिखाया हैप्पी बर्थडे बताओ। पहला केक पहला पापा की तरह वो पहला पापा ये है, पहला और आखिरी पापा ये है। ये तो रखो फिर काके, आपकी जो है प्री बर्थडे सेलिब्रेशंस आपकी भरपूर ख्वाहिश पे, ठीक है। कल होगी बर्थडे, परसों होगी आफ्टर बर्थडे, यानी इसकी 3 दिन जो जैसे 7 साल तकरीबात होती ना किसी मुल्क की और वो 3 दिन चलती हैं, तो इसी तरह इसका जश्न है। कौन सी बर्थडे है? जश्न जमना है, 15वीं जश्न पदाइश जो है ना वो 3 दिन चले। आज से 15 साल पहले हमारे घर एक सानिया पेश आया था और वो ये सानिया है। तो आपकी भरपूर फरमाइश पे मैंने तो इसको, आप कह रहे हैं कि जो है तकरीबात होती, मैंने इसको कहा तुम 3 दिन मांग रही हो तुम्हारा ब्याह है, इससे मेहंदी बरात मलीमा कराना है, प्री सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, पोस्ट सेलिब्रेशन। तो जनाब हमने कर लिया अमन की बर्थडे सेलिब्रेट, जैसा सोचा था वैसा तो नहीं कर सके हैं, मतलब हमने सोचा था कि खुद घर केक बेक करेंगे डेकोरेट करेंगे, लेकिन आज हमारे घर 2 दफ़ा गेस्ट आ गए, उनको देखते रहे हम। फिर उसके बाद जो है मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे में हिम्मत नहीं थी केक डेकोरेट करने की, इस वजह से जो है हमने जो गेस्ट वाले केक लाए थे हमने उसको ही थोड़ा सा डेकोरेट करके उस पर चॉकलेट लगा के तो वही काट लिया। तो अमन के कहने पे अमन की प्री सेलिब्रेशंस हो गई, अब इंशाल्लाह कल अमन के जो है बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे और अमन को जो है बाहर लेकर जाएंगे उसकी बर्थडे के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से अब कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।